महामारी को लड़ना सबका दायित्व है। इसी के चलते हमने सरकार को पूरा सहयोग किया और पिछले लगभग 20 दिन से हमारी सारी दुकानें बंद हैं, जबकि इनिशियली लॉकडाउन जो लगा था 10 दिन के लिए लगा था, उसके बाद एक्सटेंड करके 20 दिन के लिए कर दिया गया। अब जिस तरह और हमारे को सामान की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है करियाने की, सब्ज़ी की, उसी तरह से जिस तरह आज स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों को स्टेशनरी की आवश्यकता है, मोबाइल की आवश्यकता है और कई ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को आवश्यकता है। जहाँ लोग ये डिमांड कर रहे हैं वहाँ हमारे दुकानदार भी अपनी आर्थिकी से जूझ रहे हैं। तो हमारा प्रशासन से, सरकार से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारे बाज़ार खुलवाए जाएँ। इसको लेके हम कल उपायुक्त कार्यालय भी गए थे, जहाँ हमने ADC सर से एक रिक्वेस्ट भी की थी, एक मेमोरेंडम भी उनको दिया था कि हमारी जो बात है सरकार तक पहुँचाई जाए। हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है हमारे व्यापारी, कुछ जो छोटे व्यापारी हैं अपनी आर्थिकी से जूझ रहे हैं। हम ये चाहते हैं योजनाबद्ध तरीके से सभी दुकानदारों को थोड़ा समय मिले, चाहे 2 बजे तक ही सही, क्योंकि हर कारोबार को थोड़ा सा समय चाहिए। और एक तो डायरेक्ट हमारा नुकसान हो रहा है, दूसरा ये है कि जो हमारा स्टॉक दुकानों के अंदर पड़ा है उसका हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, अब ये बिल्कुल, अब व्यापारियों को सरकार के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। एक हमारी ये भी मांग थी कि व्यापारियों के लिए कोई आर्थिक पैकेज घोषित किया जाए, जिसमें हमारे जो वर्कर्स हैं उनके लिए, या और जो हमारे छोटे कारोबारी हैं उनके लिए हमारी बैंक लिमिट्स का जो ब्याज है उससे डिडक्ट किया जाए। तो ऐसी काफ़ी मांगे हैं जो शिमला व्यापार मंडल कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया, देखो जब तक बाकी जो लोग हैं, जो अगर वो लॉकडाउन में घर भी बैठे हैं, उनकी सैलरी इंटैक्ट है, लेकिन दुकानदार जब तक अपनी दुकान नहीं खोलेगा उनको उसका काम नहीं चलेगा। और एक एक दुकान पर शिमला में, मैं आपकी नोटिस मिलाना चाहता हूँ, लगभग 3 से 4 एम्प्लॉयज़ भी हैं, उनकी सैलरी और उनके परिवार, अगर शिमला की बात करें लगभग 20,000 बच्चों को हमने जो प्राइवेट जो है जो नौकरियां करते हैं, जो किसी ना किसी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सब का भी ध्यान रखते हुए सरकार को डेफिनेटली कोई आर्थिक पैकेज इन लोगों की मदद करनी चाहिए।